गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए बॉटनी की क्लास रहेगी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, टेरिडोफाइटा से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि टेरिडोफाइटा क्या होता है, इसके सामान्य लक्षणों के बारे में, ब्रायोफाइटा और मोलस्क किस प्रकार से भिन्न है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कितनी इसकी जातियाँ पाई जाती हैं। ठीक, तो आज हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेरिडोफाइटा को संवहन क्रिप्टोगेम कहा जाता है, मतलब जो वास्कुलर क्रिप्टोगेम कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो जो टेरिडोफाइटा है उनको संवहन क्रिप्टोगेम क्यों कहा जाता है, क्योंकि दे हैव स्टील, क्योंकि इनमें जो है स्टील जो है वो उपस्थित रहती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, संवहन क्रिप्टोगेम के नाम से भी जाने जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा के किस प्रभाग में जड़ें अनुपस्थित रहती हैं, जो टेरिडोफाइटा रहता है उसके किस प्रभाग में, किस डिवीजन में जो है वो जड़ें अनुपस्थित होती है, तो किस प्रभाग में अनुपस्थित होती है, साइलोफाइटा में। सीजियोफाइटा में क्या रहती हैं, जो जड़ें रहती हैं वो क्या रहती हैं, इसकी अनुपस्थित जो है वो रहती हैं, किसमें रहती हैं जड़ें अनुपस्थित, साइलोफाइटा में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रिमेंटा उपस्थित होता है, रिमेंटा जो है वो किसमें उपस्थित रहता है या कहाँ पर उपस्थित जो है वो पाया जाता है, जो रिमेंटा है वो कहाँ पाया जाता है, वो फर्न के पर्ण ग्रंथ पर, फर्न के जो पर्ण ग्रंथ होता है, पर्ण मतलब पत्ती का जो ग्रंथ होता है, भाग होता है, उस पे जो है वो रिमेंटा है वो उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट लैंड प्लांट आर, जो फर्स्ट लैंड प्लांट था इसका, टेरिडोफाइटा का जो फर्स्ट लैंड प्लांट है, टेरिडोफाइटा जो क्या है, फर्स्ट लैंड मैंने बताया था, ये लगभग 6 से 7 मिलियन वर्षों तक इनका पृथ्वी पर साम्राज्य रहा, और जो फर्स्ट लैंड प्लांट थे मतलब पृथ्वी पर सबसे पहले जो उगने वाले पौधे थे, उगने वाले प्लांट थे, वो कौन थे, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है, एक प्रारंभिक कोशा से विकसित बीजाणुधानी कहलाती है, एक प्रारंभिक कोशा से जो विकसित होती है बीजाणुधानी उसको हम क्या नाम से जानते हैं, तो किसके नाम से जानते हैं, लैक्टोस्पोरेंजियम के नाम से जो है हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्न प्लांट है, फर्न प्लांट किस प्रकार के प्लांट है, तो फर्न प्लांट जो है वो साइजिया कहलाते हैं, फर्न प्लांट को हम किसके नाम से जानते हैं, साइजिया के नाम से जो है वो जानते हैं। इसी क्रम में और भी क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ, इसी क्रम में और क्वेश्चन है, जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा का जाइलम प्रायः निर्मित होता है, जो टेरिडोफाइटा है उसका जो जाइलम है वो किस चीज़ से निर्मित होता है, किस चीज़ का जो है वो बना होता है, तो टेरिडोफाइटा का जो जाइलम है वो किसका बना होता है, वाहिनिका से, वाहिनिका या फिर ट्रैकाइट जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ट्रैकाइट जिसको हम बोल सकते हैं, उससे जो है टेरिडोफाइटा का जाइलम जो है वो निर्मित होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेरिडोफाइटा के बीजाणु होते हैं, टेरिडोफाइटा के बीजाणु किस प्रकार के होते हैं, तो टेरिडोफाइटा के बीजाणु जो हैं वो होते हैं आपके हैप्लॉइड प्रकार के, हैप्लॉइड मतलब एक ही इनमें बीजाणु जो है वो पाया जाता है, डिप्लॉइड होता तो डिप्लॉइड मतलब दो, ट्रिप्लॉइड मतलब तीन, है ना, टेट्राप्लॉइड मतलब चतुर, लेकिन इसके जो टेरिडोफाइटा के जो बीजाणु होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, केवल हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, सिंगल होते हैं। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन आपका टेरिडोफाइटा से रिलेटेड है, प्रोटो स्टील के मध्य में स्थित होता है, प्रोटो स्टील के मध्य में क्या स्थित रहता है, जो इसमें प्रोटो स्टील पाया जाता है उसके बीच में क्या पाया जाता है, तो प्रोटो स्टील के मध्य में क्या पाया जाता है, जाइलम तथा फ्लोयम, क्या पाया जाता है प्रोटो स्टील के मध्य में, जाइलम एंड फ्लोयम। नेक्स्ट ये
यदि बात करें हम, एक्टिनोस्टील में जाइलम की आकृति होती है। एक्टिनोस्टील जो होता है उसमें जो जाइलम की आकृति किस प्रकार की होती है, तो जाइलम की आकृति होती है उसमें स्टार शेप, है ना। स्टार शेप मतलब या हिंदी में बोल सकते हैं सितारे जैसी, या फिर बोल सकते हैं स्टार शेप। स्टार शेप का मतलब जो स्टार रहता है उसके आकार की संरचना जो है वो एक्टिनोस्टील की जाइलम में जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करें, मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाई जाती है। मिक्स्ड प्रोटोस्टील किस में पाई जाती है, तो मिक्स्ड प्रोटोस्टील जो है वो पाई जाती है एल सिरेनम में। इसमें एल सिरेनम में जो है वो मिक्स्ड प्रोटोस्टील जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करें, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सिफेनोस्टील, सिफेनोस्टील का क्या गुण होता है, जो सिफेनोस्टील रहता है वो किस प्रकार के गुण जो है वो प्रदर्शित करता है। तो जो सिफेनोस्टील रहता है वो आपका प्रेजेंस ऑफ पिथ इन द सेंटर, इसके पिथ में जो पिथ रहता है उसके केंद्र में पिथ उपस्थित रहता है। किसमें, सिफेनोस्टील के केंद्र में पिथ उपस्थित रहता है, मतलब पिथ, प्रेजेंस ऑफ पिथ इन द सेंटर, सेंटर में इसकी जो पिथ है वो उपस्थित रहता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, डिक्टियोस्टील पाई जाती है। डिक्टियोस्टील जो है वो किस में पाई जाती है, तो डिक्टियोस्टील जो है आपकी वो पाई जाती है आपकी फर्न में। फर्न अभी मैंने बताया जो फर्न प्लांट है, फर्न प्लांट का क्या नाम है, साइजिया, ठीक है। साइजिया को हम किसके नाम से जानते हैं, फर्न प्लांट के नाम से जानते हैं। और जो फर्न प्लांट रहते हैं उनमें जो डिक्टियोस्टील जो है वो पाई जाती है। डिक्टियोस्टील किस में पाई जाती है, फर्न प्लांट में। और फर्न प्लांट का नाम मैंने क्या बताया था, साइजिया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, साइलोटम में पाई जाने वाली स्टील कहलाती है। जो साइलोटम होता है उसमें पाई जाने वाली जो स्टील रहती है, साइलोटम में पाई जाने वाली स्टील को हम किसके नाम से जानते हैं, तो साइलोटम में जो स्टील पाई जाती है उसको हम जानते हैं हैप्लोस्टील के नाम से। किसके नाम से, हैप्लोस्टील के नाम से जो है हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसी में जो आपका टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन से प्लांट्स आते हैं, जैसे राइनिया आता है। तो राइनिया की खोज किसने की थी, जो राइनिया प्लांट्स है आपका, राइनिया प्लांट्स की एक स्पीसीज है जाती है वो, उसकी खोज किसने की थी, तो राइनिया प्लांट की खोज जो है वो की थी किट्सन एंड लैंग ने। किसने की थी, किट्सन एंड लैंग ने। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है, कौन सा समूह पूर्णतः विलुप्त हो चुका है, ठीक है। जो इसका समूह था, कौन सा समूह पूर्ण रूप से विलुप्त जो है वो हो गया है, मतलब अब धरती पर वो नहीं पाया जाता है। तो जो राइनिया है वो अब पूरी तरह से पृथ्वी से क्या हो गया है, विलुप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइनिया था, राइनिया क्या था, राइनिया क्या था, संबीजाणु, संबीजाणु या फिर होमो स्पोरस, क्या था, होमो स्पोरस था। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनेगा, राइनिया संबंधित है, राइनिया किससे संबंधित है, तो राइनिया जो है वो डिवोनियन से संबंधित है। डिवोनियन से क्या है, रिलेट करता है राइनिया। तो इससे राइनिया के जो लक्षण थे, राइनिया की खोज किसने की, राइनिया किससे संबंधित है, राइनिया पृथ्वी पर है कि नहीं है, विलुप्त हो चुका है, इन सब के बारे में भी जो है हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे, और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम टेरिडोफाइटा से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन